सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आइडियल से रिलेटेड कुछ थ्योरम को हम लोग करेंगे। आइडियल का डेफिनेशन, प्रॉपर इम्प्रॉपर आइडियल वगैरह के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए कुछ थ्योरम को स्टार्ट करते हैं आज। सबसे फर्स्ट थ्योरम है, ये फील्ड कैन नॉट हैव एनी प्रॉपर आइडियल। फील्ड का कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। मैं इम्प्रॉपर और प्रॉपर आइडियल बता चुका हूं। अगर कोई भी रिंग है तो दो आइडियल उसका निश्चित रूप से होता है, एक खुद आर एक आइडियल होता है और एक आइडियल होता है सब जीरो एलिमेंट लेकर के एक सेट बनाते हैं, वो एक आइडियल होता है। ये दोनों आइडियल को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर आइडियल। इसके अलावा अगर कोई भी अगर आइडियल होता है तो उस आइडियल को कहते हैं प्रॉपर आइडियल। तो अगर फील्ड लेते हैं हम लोग, रिंग की जगह यहाँ पर फील्ड ले लेते हैं, फील्ड भी एक रिंग होता है, तो फील्ड अगर लेते हैं तो इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं एग्जिस्ट करेगा। यानी इसका सिर्फ दो ही आइडियल होगा। कौन कौन सा दो आइडियल होगा? एक तो खुद एफ हो जाएगा और एक होगा ये जीरो एलिमेंट को लेकर के सेट बनाते हैं, तो ये एक आइडियल होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा आइडियल इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग दिखा देंगे कि फील्ड का इस दो के अलावा कोई भी आइडियल नहीं है, यानी कि प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग दिखाते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रूफ में मान लेते हैं कि लेट आई बी एन आइडियल ऑफ फील्ड एफ। फील्ड एफ का कोई भी एक आइडियल हम लोग ले लिए हैं आई। इफ आई नॉट इक्वल टू जीरो, मान लीजिए ये नहीं है, आई जो है वो जीरो एलिमेंट से जो सेट बनता है वो आइडियल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें नॉन जीरो एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। ये इस सेट के बराबर नहीं है तो नॉन जीरो एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए विच इज नॉट इक्वल टू जीरो इन आई, बिलोंग्स टू आई। तो एक नॉन जीरो एलिमेंट आ गया आई। अब देखिए सिंस ए जो है वो आई का मेंबर है, इंप्लाइज ए एफ का भी मेंबर होगा, क्योंकि आइडियल क्या होता है? आइडियल होता है सबसेट, रिंग का सबसेट होता है या फिर फील्ड है तो फील्ड का सबसेट होगा। तो आई में जो एलिमेंट होगा वो तो एफ में भी होगा, तो आई में हम लोग एक एलिमेंट ए लिए हैं वो फील्ड में भी होगा। और आप लोग को पता होगा कि फील्ड का प्रत्येक एलिमेंट का नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। क्यों? क्योंकि ये फील्ड है, फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये नॉन जीरो एलिमेंट है, यहां पर लिखे हुए ये नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसीलिए इसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। और अब देखिए देयरफॉर ए किसका मेंबर है? आई का, और ए इनवर्स किसका मेंबर है? एफ का। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी आई का मेंबर होगा। क्यों? जरा समझिए, आप लोग आइडियल के डेफिनेशन के बारे में अगर जानते हैं तो अगर ए आई आइडियल का मेंबर मान लिए, आर रिंग का मेंबर मान लेते हैं, तो ए इंटू आर भी किसका मेंबर होता है? आइडियल का। ये आइडियल का डेफिनेशन कहते हैं। तो यहां पर हम लोग आइडियल का मेंबर हम लोग ए ले रहे हैं और रिंग की जगह यहां पर फील्ड है, तो फील्ड का एक मेंबर ए इनवर्स ले रहे हैं और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए इंटू ए इनवर्स ये जरूर किसका मेंबर हो जाएगा? आई का। तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए ए आई का मेंबर है, ए इनवर्स फील्ड का मेंबर है, तो डिफिनेशन से आइडियल के डिफिनेशन से ए इंटू ए इनवर्स जरूर आई का मेंबर हो जाएगा।
और ए इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यूनिटी आता है क्योंकि फील्ड है, तो फील्ड में प्रत्येक एलिमेंट और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिटी आता है, तो वन जो है वो आई का मेंबर हो गया। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, वन आई का मेंबर है तो वन इंटू एक्स भी आई का मेंबर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ। देखिए फील्ड का कोई भी मेंबर ले लेते हैं और आइडियल का एक मेंबर ले रहे हैं, आइडियल का एक मेंबर और फील्ड का मेंबर, तो दोनों का प्रोडक्ट भी आइडियल का मेंबर ही होगा। फील्ड यहाँ पर रिंग लिया जाता है, रिंग की जगह यहाँ पर फील्ड है, जो आइडियल का डेफिनेशन कहता है कि आइडियल का एक मेंबर लेते हैं और रिंग का एक मेंबर लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आई का मेंबर होगा। तो हम लोग कोई भी अगर फील्ड का मेंबर क्यों ना ले लें, एक्स और एक आइडियल का मेंबर वन लिए, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आई का मेंबर होगा, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ। तो क्या मीनिंग हुआ, जितना भी एफ का मेंबर है वो सब आई में भी है। यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है कि अगर कोई भी एक्स एफ का मेंबर लेते हैं तो वो एक्स आई का भी मेंबर होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज सबसेट ऑफ आई, क्योंकि एफ का प्रत्येक मेंबर, फॉर ऑल एफ का प्रत्येक मेंबर जो है वो आई का भी मेंबर है, तो एफ सबसेट हो गया आई का। एंड वी नो दैट, ये तो पहले से हम लोग जानते हैं, वी नो दैट आई इज सबसेट ऑफ एफ। आइडियल जो होता है वो एफ का सबसेट होता है, डेफिनेशन ही है कि आइडियल जो होता है वो रिंग का सबसेट होता है, तो रिंग की जगह यहाँ पर फील्ड है तो फील्ड का सबसेट होगा, तो एफ सबसेट हो गया आई का और आई सबसेट हो गया एफ का, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू एफ। तो क्या यहाँ पर हम लोग निकाल दिए हैं, यहाँ पर निकाल दिए कि अगर आई जो है वो जीरो एलिमेंट के बराबर नहीं है, इस सेट के बराबर नहीं है, तो वो आई किसके बराबर हो जाता है, एफ के बराबर। तो इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, अगर ये जीरो के बराबर नहीं है, इस सेट के बराबर नहीं है, तो निश्चित रूप से वो किसके बराबर होगा, फील्ड के बराबर। तो यानी आइडियल जो होगा या तो फील्ड के बराबर होगा, और अगर फील्ड के बराबर नहीं है तो फिर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि अगर आई जो है वो इस सेट के बराबर नहीं है तो इसका मतलब आई जो है वो एफ के बराबर होगा, और अगर आई एफ के बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से आई जीरो के बराबर होगा। तो आइडियल जो है दो तरह का आइडियल ही मिला, सिर्फ ये जीरो मिल रहा है या फिर एफ मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एफ डज नॉट हैव एनी प्रॉपर आइडियल, कोई भी प्रॉपर आइडियल इसका एडजस्ट नहीं करेगा, यानी कि जो भी आइडियल मिलेगा वो इम्प्रॉपर आइडियल ही होगा। मैं सिंपल रिंग का डेफिनेशन बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें सिंपल रिंग का डेफिनेशन है कि एक ऐसा रिंग जिसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं मिलेगा उसको सिंपल रिंग कहेंगे, तो फील्ड जो है वो एक सिंपल रिंग हो जाएगा क्योंकि इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि फील्ड जो है वो एक सिंपल रिंग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ये एक थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर टू लेफ्ट आइडियल ऑफ ए रिंग आर, देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। कोई भी हम लोग दो आइडियल ले लेते हैं, लेफ्ट आइडियल ले रहे हैं, ए और बी दो लेफ्ट आइडियल ले रहे हैं, तो उसका इंटरसेक्शन भी एक लेफ्ट आइडियल होगा, तो दो लेफ्ट आइडियल का इंटरसेक्शन भी एक लेफ्ट आइडियल होगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो आइडियल होता है वो आइडियल एक ग्रुप होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, तो जरूर जीरो एलिमेंट जो है वो जरूर आइडियल का मेंबर होगा, क्योंकि जीरो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ग्रुप में आइडेंटिटी जरूर एग्जिस्ट करता है, तो जीरो जो है, सिंस जीरो जरूर ए का मेंबर होगा और जीरो बी का भी मेंबर होगा, क्योंकि ए और बी आइडियल है, लेफ्ट आइडियल, तो जीरो एलिमेंट जरूर होगा ए और बी में, यानी कि दोनों में हो गया तो जीरो ए इंटरसेक्शन बी में भी आ जाएगा, दोनों एलिमेंट दोनों सेट में है, ए और बी दोनों सेट में है, तो जीरो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, और जब ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया, तो नॉन एम्प्टी सेट हो गया, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी दो मेंबर मान लेते हैं, एक्स वाई ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग मेंबर मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स और वाई ए का भी मेंबर होगा एंड एक्स और वाई
बी का भी मेंबर होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का है तो दोनों का मेंबर होगा, ए का भी और बी का भी। अब देखिए एक्स वाई जो है वो ए का मेंबर है एंड ए इज ये लेफ्ट आइडियल, एक लेफ्ट आइडियल है ऑफ आर। तो आइडियल आप लोग जानते हैं कि आइडियल जो होता है वो एक सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है आर प्लस का, तो ये भी एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप का डेफिनेशन से, सब ग्रुप के प्रॉपर्टी से एक्स वाई जब ए का मेंबर है और ये सब ग्रुप है तो एक्स माइनस वाई भी किसका मेंबर हो जाएगा, ए। अगेन यहां पर देखिए एक्स वाई जो है वो बी का भी मेंबर है, एक्स वाई बी का भी मेंबर है, इंप्लाइज एक्स माइनस वाई भी बी का मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी तो आइडियल है, तो आइडियल है तो आई मीन सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो एक्स वाई अगर दो मेंबर लेते हैं तो एक्स माइनस वाई भी बी का मेंबर होगा। सब ग्रुप आइडियल का डेफिनेशन भी ये कहता है। तो दस क्या हम लोग दिखा दिए कि एक्स माइनस वाई ए का भी मेंबर है और एक्स माइनस वाई बी का भी मेंबर है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों का मेंबर है एक्स माइनस वाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है। तो पहला आइडियल के लिए दो चीज दिखाना पड़ता है कि कोई भी अगर दो एलिमेंट आइडियल निकाल लेते हैं तो उसका डिफरेंस भी उसी में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई कोई भी दो मेंबर ले लिए इंटरसेक्शन बी में और दिखा दिए कि इसका डिफरेंस भी है इंटरसेक्शन बी में, तो एक कंडीशन तो हो गया। अब सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा रहे हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है इसको जरा देखिए, उसमें हम लोग दिखाएंगे कि ए एक्स जो है वो कोई भी मेंबर ले लेते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का एंड आर हम लोग मान लेते हैं रिंग का मेंबर, दिखा देंगे कि आर एक्स भी ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर है तो ए इंटरसेक्शन बी आइडियल हो जाएगा। पहला कंडीशन दिखा चुके हैं, ये सेकेंड कंडीशन हो जाएगा तो ये आइडियल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे दिखाते हैं। सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज एक्स ए का भी मेंबर होगा और एक्स जो है वो बी का भी मेंबर होगा। अब देखिए एक्स जो है वो ए का मेंबर है, आर जो है वो रिंग का मेंबर है, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि ए आइडियल है, तो आइडियल है तो लेफ्ट आइडियल है, लेफ्ट आइडियल है तो लेफ्ट साइड में रिंग के मेंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और आइडियल का मेंबर को यहाँ पर लिखते हैं, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी ए का मेंबर होगा। क्यों? क्योंकि ए इज लेफ्ट आइडियल। फिर उसी तरीके से एक्स बी का भी मेंबर माने, यहाँ पर एक्स बी का भी मेंबर है और आर जो है वो रिंग का मेंबर है, तो निश्चित रूप से आर इंटू एक्स बी जो है वो बी का मेंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडियल है, ये आइडियल का लेफ्ट आइडियल है, तो लेफ्ट आइडियल के डिफिनेशन से हम लोग को पता है कि रिंग का मेंबर को लेफ्ट साइड में लिख करके और आइडियल का मेंबर यहाँ लिखेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट भी आइडियल का ही मेंबर होगा। यहाँ पर भी सिंस बी इज लेफ्ट आइडियल। अब देखिए आर एक्स भी ए का मेंबर है, आर एक्स बी का भी मेंबर है, सिंस आर इंटू एक्स ए का भी मेंबर है, आर इंटू एक्स बी का भी मेंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर इंटू एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का भी मेंबर हो गया, दोनों का मेंबर। तो क्या दिखा दें कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर था, आर ए रिंग का मेंबर था, तो आर इंटू एक्स भी ए इंटरसेक्शन बी का मेंबर हो गया। तो देयरफॉर दोनों चीज हो गया कि x और y अगर a इंटरसेक्शन b का मेंबर मानते हैं तो दोनों का डिफरेंस भी a इंटरसेक्शन b का मेंबर है, अगर x a इंटरसेक्शन b का मेंबर है, r रिंग का मेंबर है, तो ये प्रोडक्ट भी a इंटरसेक्शन b का मेंबर है, तो इसीलिए a इंटरसेक्शन b इज ये लेफ्ट आइडियल ऑफ r, ये लेफ्ट आइडियल हो गया r का। इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं कि अगर a और b राइट आइडियल है तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक राइट आइडियल होगा रिंग का, और अगर एक लेफ्ट आइडियल लेते हैं, ये मान लीजिए लेफ्ट आइडियल है और बी राइट आइडियल है, तो दोनों का इंटरसेक्शन, एक लेफ्ट आइडियल का और एक राइट आइडियल का, दोनों का इंटरसेक्शन आइडियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों अगर लेफ्ट रखते हैं तो उसका इंटरसेक्शन लेफ्ट आइडियल होगा, दोनों राइट आइडियल रखते हैं तो उसका भी इंटरसेक्शन राइट आइडियल होगा, लेकिन एक लेफ्ट और एक राइट लेंगे तो उसका इंटरसेक्शन जो है वो लेफ्ट या राइट आइडियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये दो थ्योरम था आइडियल से रिलेटेड। मैं नेक्स्ट वीडियो में आइडियल का सम, प्रिंसिपल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल वगैरह के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो। चलिए पुनः इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।